देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में जल भराव, वह विद्यालय के कमरों में ऊपर से टपक रहा पानी, जबकि ठीक एक महीने पहले विद्यालय ने निर्माण में तकरीबन 3 लाख रुपए भी खर्च किया गया है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत लेकिन विद्यालय पर कोई सुधार नहीं हुआ, सिर्फ पेंटिंग कराकर पूरा पैसा निकाल लिया गया। उसी प्रांगण में लगा जल निगम नल तकरीबन 2 साल से दूषित पानी दे रहा है, वहीं पानी पीने बच्चों को मजबूर है। वहीं के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार दुबे का कहना है कि 6 महीने से हम प्रधान से प्रांगण में मिट्टी डलवाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रधान द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं के सहायक अध्यापक अश्विनी कुमार ने बताया कि 2 साल से स्कूल का नल खराब है, दूषित पानी दे रहा है, जबकि 3 बार नल को रिबोर कराया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खाली रिबोर के नाम पर पैसे निकाल लिए जाते हैं लेकिन धरातल पर कार्य कुछ नहीं कराया जाता है। वहीं दूषित पानी 2 साल से पी रहे हैं बच्चे, पानी उसी पानी से मिड डे मील का खाना भी बनाया जाता है। सर आपका? अशोक कुमार द्विवेदी। अच्छा, ये कौन सा विद्यालय है? ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुटिया मदार। अच्छा, आपके विद्यालय के प्रांगण में पानी भरा हुआ है और नल खराब है, ये क्या मामला है इसका? अरे बार बार कहा भी गया है प्रधान जी से और मिस्त्री लोगों से कहा गया, कोई ठीक करने आया नहीं। अच्छा, और ये देखा हमने कि अंदर पानी भी चोरा है विद्यालय के अंदर, जबकि 1-1.5 महीना पहले इसकी मरम्मत भी हुई विद्यालय की। मरम्मत तो छत के ऊपर तो कोई नहीं हुई, लेकिन बस यही फर्श वर्श सब ये पत्थर उत्थर लगे हैं, और बाकी तो आए हैं सवेरे जो है पानी भरा हुआ था, सब रिकॉर्ड देखिए इधर उधर सब भीज गए हैं पूरा। अच्छा, पानी बरस। अच्छा, तो ये विद्यालय के प्रांगण में पानी भरा है तो बच्चे इधर ही से निकलते हैं? इधर ही से निकलते ही। तो इसके बारे में आपने कभी किसी प्रधान को या सेक्रेटरी को किसी को सूचना नहीं दिया कि यहाँ माटी डलवाई जाए या इसकी कोई व्यवस्था की जाए? अरे वो तो देखते ही हैं, कहे थे कि वहाँ से इंटरलॉकिंग लगवा देंगे सड़क से रैंप तक, और ये पटवा देंगे, मिट्टी पटवाएंगे इसमें प्रांगण में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्या किया जाए कहना ही वो है। अच्छा, तो बच्चे पानी कहाँ से पीते हैं? पानी तो वहाँ मंदिर के नल से इस समय लाते हैं, बिल्कुल पानी। अच्छा, ये नल खराब है जो प्रांगण? ये नल खराब भी है, पानी भी बढ़िया ठीक से नहीं दे रहा है, दूषित जा पीला पड़ जाता है, और वहाँ प्राइमरी का भी पीला पड़ जाता है, यही दूषित पानी बच्चे पीते हैं। हाँ, यही। गोंडा से संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।